अगर आप एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज नहीं करते हो तो इन फ्यूचर एसी के साथ जो है इशू देखने को मिल सकता है। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली अंत तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेजवाई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। सबसे पहले बात कर लेते वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में। तो अगर आप ऐसा एरिया में रहते हो जहां पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो है इश्यू देखने को मिलता है, तो आपको डेफिनेटली जो है स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। अगर वोल्टेज ज्यादा है एंड वोल्टेज कम है, तब जो है एसी के साथ जो है एसी का जो कंपोनेंट्स है उसमें जो है इश्यू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा एरिया में रहते हो जहाँ पर वोल्टेज जो है काफ़ी हद तक अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो आपको डेफिनेटली स्टेबलाइजर यूज़ करो। स्टेबलाइजर के साथ आपको जो है बेटर कूलिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से एसी का जो कंपोनेंट है उसमें जो है इश्यू देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज काफ़ी कम हो तो एसी जो है सही से काम नहीं करेगा, एंड वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो एसी जो है ओवरहीटिंग भी हो सकता है एंड अल्टीमेटली एसी में जो है दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको लंबे टाइम तक एसी भी यूज़ करना है तो आपको डेफिनेटली एक स्टेबलाइजर की इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। एसी के साथ यूज़ करो, काफ़ी लंबे टाइम तक एसी जो है काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यहाँ पर अनस्टेबल परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर वोल्टेज कम है तो यहाँ पर कम कूलिंग होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर शायद कूलिंग होना बंद हो जाए। तो यहाँ पर अनस्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि वोल्टेज जो है यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो जाए जिसकी वजह से जो कूलिंग है एंड जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एंड इसके वजह से अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको ज़्यादा पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसके वजह से आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सिंपली जो है यहाँ पर एक स्टेबलाइजर को यूज़ करो जिसके साथ जो अनस्टेबल परफॉर्मेंस है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा एंड काफ़ी सही जो है स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा एसी को स्टेबलाइजर। यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉस्ट के साथ बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है उसके लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है मनी यहाँ पर पे करना होगा, एंड इसके साथ जो है आपको लॉन्ग टाइम में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करने के बाद जो स्टेबलाइजर है यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से जो एसी का जो कंपोनेंट है उसमें जो इशू है उससे जो है यहाँ पर उस इशू को जो है यहाँ पर फिक्स करने के जो है मदद करता है। इसकी वजह से लॉन्ग टाइम में इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि आप स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर स्टेबलाइजर के साथ जो है इनिशियल कॉस्ट जो है आपको ज़्यादा पे करना होगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको जो है ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप जो है यहाँ पर एसी के साथ स्टेबलाइजर को यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण जो कंप्रेसर है उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है, इसकी वजह से जो है कंप्रेसर में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो जो है यहाँ पर उसमें जो है इशू देखने को मिल सकता है, एंड जिसकी वजह से अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन लंबे टाइम तक हो देखने को मिलता है तो यहाँ पर कंप्रेसर में इशू होता है एंड अल्टीमेटली जो है एसी में जो है दिक्कत आ सकता है। तो यहाँ पर अगर लंबे टाइम तक एसी को यूज़ करना है तो आपको डेफिनेटली एक स्टेबलाइजर को यूज़ करना ही होगा। एसी के साथ स्टेबलाइजर लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर वारंटी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ कुछ मैन्युफैक्चर की तरफ से अगर आप जो है एसी के साथ स्टेबलाइजर को यूज़ नहीं करते हो तो आप जो है वारंटी क्लेम भी नहीं कर पाओगे। तो स्टेबलाइजर को यूज़ ना करने के वजह से अगर एसी में कोई भी कंपोनेंट में इशू देखने को मिलता है तो आप उसे जो है वारंटी में क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वारंटी क्लेम करने के लिए आपको जो है
एसी के साथ स्टेबलाइजर की यूज़ करना होगा, तभी आप जो है वारंटी क्लेम कर सकते हो, तो ये भी ध्यान देना होगा। तो वारंटी के साथ इशू भी देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली अलग अलग स्टेबलाइजर यहाँ पर अलग अलग मैन्युफैक्चर की तरफ से अलग अलग रूल्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट, डेफिनेटली अभी फिलहाल बहुत सारी जो मॉडर्न एसी है उसमें जो है बिल्ट इन स्टेबलाइजर देखने को मिलता है, स्टेबलाइजर फ्री मोड देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो एसी है खुद से ही जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसे जो है काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाता है। बट यहाँ पर जो इनबिल्ट और इंटरनल जो स्टेबलाइजर है एसी में, उसका जो रेंज है काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल स्टेबलाइजर। नॉर्मली जो एक्सटर्नल स्टेबलाइजर है उसका जो रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके एसी में जो है यहाँ पर स्टेबलाइजर फ्री मोड है और इनबिल्ट स्टेबलाइजर है, उसके बाद भी आप जो है एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर को ज़रूर से यूज़ करना, इससे आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण जो कंप्रेसर है उसमें जो है ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है यहाँ पर लंबे टाइम के बाद जो उसमें इशू देखने को मिल सकता है, एंड जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा अगर वोल्टेज यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है तो। एंड इसके वजह से आपको यहाँ पर स्टेबलाइजर यूज़ करने से जो कूलिंग एफिशिएंसी है यहाँ पर डेफिनेटली फिक्स हो सकता है। नाउ यहाँ पर कुछ कुछ टाइम जो है जिसमें जो है आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, एंड सबसे पहले अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर आपको जो है स्टेबल पावर सप्लाई देखने को मिलता है, ज़्यादा जो है यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है सच में, तब आप जो है स्टेबलाइजर को यूज़ मत करो, स्टेबलाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट नॉर्मली अभी स्पेशली समर का टाइम है, अभी तो भाई साहब जो वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसकी वजह से आपको एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत है एसी को लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप बात कर लेते हैं पर अगर आप स्टेबलाइजर को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेबलाइजर के साथ जो वोल्टेज है, जो फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर स्टेबलाइजर रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से बेटर कूलिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ स्टेबलाइजर के यूज़ करने से वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है, एंड एसी को आप जो है काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो कंप्रेसर है उसमें ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, स्टेबलाइजर जो है वोल्टेज को स्टेबल कर रहा है, इससे एसी को आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर वारंटी भी देखने को मिलेगा क्योंकि स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो तो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, बाय बाय।